मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर आते हैं ईमानदारी से जानना चाहती हूं कि आपके हिसाब से वो क्या सबसे बड़ा फैक्टर रहा कि पंद्रह साल से बीजेपी का शासन यहां पर है कुछ तो अच्छा रहा होगा मध्य प्रदेश की जनता को क्रेडिट दे सकते हैं देखिए कई मैं एक बात बताता हूं आपको ये ईवीएम मशीन पर मुझे कभी भरोसा नहीं हुआ श्वेता जी आप से बिल्कुल आज थीक, तो अदालत में क्या थीक, हुआ है आपने? वो मुझे मालूम है अदालत का फैसला ही मुझे मालूम है और कैसे हुआ वो भी मुझे मालूम है मैं ये कह रहा हूं कि ईवीएम की मशीन ऐसी है जिस पर हम पहले बटन दबाते पते नहीं पड़ता वोट कहाँ गया क्यों दिखता तो है नहीं तो मिर्जा तो 2003 सबसे बड़ा कारण मेरे हारने का ई मशीन थी इसलिए मुझे ई मशीन पर तब से आज तक भरोसा नहीं है एक दूसरा आज के युग में इस टेक्नोलॉजी के युग में कोई मशीन ऐसी नहीं है जिसको हैक ना किया जा सके और रशिया में बैठे बैठे लोगों ने यूएसए की मशीनें हैक कर ली और अमेरिका की सरकार ने कमेटी बिठा दी सेनेट की कि जांच करिए है कि हैकिंग हुई है कि नहीं हुई है तो ऐसे समय में भाई मुझे तो भरोसा नहीं ईवीएम की मशीन पर एक दूसरा मैं आपको बता देता हूं। ईवीएम मशीन का सोर्स कोड तीन चार लोगों के पास है किन के पास है इलेक्शन कमीशन को मालूम होगा हमको नहीं मालूम इसके चिप विदेश से आते हैं चिप पर सोर्स कोड विदेश में डाला जाता है और डालने के बाद यहाँ मशीन आ जाती है अगर इसके बाद ये है कि कम से कम ढाई सौ चोरी जा चुकी हैं ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं करता है जो जिसके मन में हताशा होती अच्छा, है गए तो उसके बाद हमेशा के लिए ईवीएम पर बहस खत्म देखिए जीत गए तो हमेशा के लिए इलेक्शन कमीशन को मजबूर करेंगे कि ईवीएम खत्म करो बैलेट पेपर से कराओ पंजाब में ऐसा है पंजाब में भाजपा रेस में ही नहीं थी वो जीत सकते हैं, तो हैं है है। है। मतलब इतना सभी श्रेय शिवराज सिंह चौहान को नहीं देखिए शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया इस प्रदेश में मैं तो एक ही बात कहता थोड़ा बहुत मैं सुन रहा था बाबा लोगों का आज ये चर्चा हो रही थी मैं देख रहा था नर्मदा जी के किनारे पर कहते हैं साढ़े छः करोड़ पेड़ पौधे लगाए मैंने इकतीस सौ किलोमीटर की यात्रा की अट्ठारह सौ किलोमीटर की यात्रा करने के बाद मुझे तीन पेड़ पौधे नज़र आए जब मैंने बयान दे दिया उसके बाद मंदिर सरकार चेती और हमको ये प्रमाण मिल गए वीडियो क्लिप मिल गए कि मैं मैं जहाँ से निकल रहा था उसके आगे आगे चल के पौधे लगते जा रहे थे बहुत भारी भ्रष्टाचार हुआ रेत खदान का तो ऐसा हालत हो गई है कि नर्मदा जी में कॉलोनी कट गई है ऐसी रोड बनी हुई है मशीनों के माध्यम से जबकि एनजीटी का नेशनल ग्री, ग्रीन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है कि मशीनों से उत्खनन नहीं होना चाहिए खुलेआम हो रहा है इतनी दुर्गति की है लोगों ने और वहां तो आप समझ लीजिए कि जैत गांव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के डेढ़ किलोमीटर दूर पर हम लोग गए वहाँ पचास पचास फुट के हजारों साल की जो रेता जमा थी वहाँ से लोग ले गए लीज है ही नहीं उसकी एक वहाँ के हम देर हो गई थी तो एक आदमी ने हमें कहा कि रास्ता बताने के लिए हमने कहा भैया ये रेत खदान कौन की चल रही है उसने कहा हजूर मार्शल लॉ चल रहा हो हमसे मत पूछो मार्शल लॉ चल रहा हो हमसे मत पूछो ये हालत थी